हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। और मैं आ गई हूँ आपके साथ स्पेशल कुछ खास मॉनसून किचन टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टिप। तो यहाँ पे जो पहला टिप है वो है हमारा किचन का काउंटर टॉप, जिसको साफ करना बहुत ज़रूरी होता है और बरसात के टाइम में तो इसे साफ करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेना है और अपने टॉप पे, जैसे किचन का जो स्लेप है उस पे हमें छिड़क देना है इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं थोड़े से एरिया में करके आपको दिखा रही हूँ, अगर आपका बड़ा हो तो आप उस तरीके से कीजिए। एंड इसके बाद यहाँ इसके ऊपर आपको जहाँ आपने पानी छिड़का है इसके ऊपर नमक डाल दीजिए, और नमक की क्वांटिटी भी आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, जैसे कि आपका किचन का काउंटर टॉप हो तो थोड़ा सा नमक और मैं यहाँ पर डालूंगी। नमक क्या होता है, वो कीटनाशक होता है, कीड़े मकोड़ों को अंदर आने नहीं देता है और जो अंदर आ चुके होते हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से ख़त्म कर देता है। तो इस तरीके से मैं पूरे काउंटर पे इसको फैला लूँगी। और उसके बाद आप कोई भी डिटर्जेंट या फिर पाउडर या फिर जो डिश वॉशर होता है वो इस पे डाल दीजिए। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास विम है लिक्विड बार, तो मैं इसको ऐसे स्प्रेड कर दूँगी चारों तरफ। डालने के बाद हमें कुछ टाइम ऐसे ही छोड़ देना है। एंड उसके बाद स्क्रब ले लेना है या फिर जिससे भी आप अपना टॉप काउंटर टॉप साफ़ करते हो उसको ले करके इसको अच्छे से मिक्स करके चारों तरफ से ऐसे लगा लेना है। इससे क्या होगा कि जो भी डिश वॉशर है या फिर जो नमक है वो चारों तरफ अच्छे से लग जाएगा। और बरसात के टाइम में तो वैसे भी अपना काउंटर टॉप हमेशा साफ़ करके रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी जब पड़ती है तब भी छिपलियाँ वगैरह भी स्लेब पे आ जाती होगी। आपने देखा भी होगा कई बार कि रात में साफ़ करके हटे और सुबह मॉर्निंग में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है जिस वजह से, मतलब ठंडक पाने के लिए ये सब ऐसे नीचे आ जाती हैं। और उसके साथ ही आपको किसी साफ़ कपड़े से, जैसे कि जिससे आप अपना काउंटर साफ़ करते हैं उससे अच्छे से इसको क्लीन कर लेना है एंड वॉश करके अगेन इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो देखिए हमारा काउंटर कितना साफ़ हो गया है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगी तो नमक जो होता है वो अच्छे से क्लीन कर देगा, और कीटनाशक होता है तो कीड़े मकोड़ों को भी मार देगा। और प्रिल इसलिए यूज़ किया है ताकि एक अच्छी सी फ्रेगरेंस रहे साथ में इसके। सेकेंड जो टिप है वो है यहाँ पे पोछे को लेकर के। कई बार क्या होता है कि हम लाइजोल लगाते हैं, लाइजोल डाल के तो नॉर्मली हम बरसात के टाइम में लगाते ही हैं, फिर भी उसकी जो जो काम होता है वो नहीं कर पाता और कुछ टाइम बाद वापस अगेन से मक्खियाँ वगैरह कीड़े आ जाते हैं। तो उसके लिए आपको आधा चम्मच इसमें नमक डालना है और इसके साथ ही यहाँ पे नींबू, आधा नींबू का रस पूरा इसमें अच्छे से स्क्वीज करके डाल देना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया है, क्योंकि जो नमक होता है वो साइंटिफिक रीज़न से भी घर के लिए अच्छा माना जाता है, पोछे के लिए अच्छा माना जाता है। इससे क्या होता है कि आपकी जितनी भी गुड वाइब्स की, जितनी भी गुड एनर्जी होती है वो अंदर ही रहती है, जैसे सकारात्मक जो एनर्जी होती है वो घर के अंदर रहती है और नेगेटिव जो एनर्जी होती है वो बाहर चली जाती है। और इसके साथ ही नमक जो है वो कीटनाशक भी होता है और ये कीड़े मकोड़ों को, मक्खियों को दूर भगाने में काम आता है। और साथ ही साथ जो नींबू है उसकी एक अच्छी फ्रेगनेंस रहती है, जो बारिश की वजह से, सीलन की वजह से स्मेल आ जाती है घरों में वो भी नहीं होती इससे। तो अगर आप रेगुलर इससे पोछा लगाते हैं तो आपका घर कीड़ों से और स्मेल से दूर रहेगा और साफ सुथरा भी रहेगा। नेक्स्ट जो थर्ड टिप है वो है दाल को लेकर के। बरसात के टाइम में दालें होगी, अनाज हो गए, गेहूं चावल हो गया और या फिर ड्राई फ्रूट्स हो गए, इस तरीके में भी जल्दी से बहुत ही ज़्यादा, और मसालों साथ में जल्दी से बहुत जल्दी में फंगस वगैरह लग जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि अगर आपके दाल में भी ऐसी प्रॉब्लम है तो इस तरह से के खड़ी जो ढोका होता है हींग का, उसको लेकर के आपको इसमें ऐसे रख देना है और ऊपर से इसको लेड लगा के बंद कर देना है। इस तरीके से अगर आप दाल को रखेंगे तो आपकी दाल ख़राब नहीं होगी, स्मेल नहीं आएगी, ना सीलन लगेगा और ना ही कीड़े वगैरह लगने की संभावना होगी। उसी तरीके से हमारा चावल भी आता है, चावल बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है और इसको बहुत ज़्यादा देर तक हम धूप में भी नहीं रख सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि चावल ख़राब ना हो बरसात के टाइम में, तो आपको माचिस की एक डब्बी ले लेनी है
और इस तरीके से उसको इसमें रख देना है अंदर तक एंड ऊपर से अच्छे से कवर कर देना है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका चावल सिलेगा नहीं और माचिस जो है वो पूरा एब्जॉर्व कर लेगा नमी, और कीड़े वगैरह जो जाले लग जाते हैं वो भी चावल में नहीं लगेंगे। अगला जो टिप है वो काजू को लेकर के है, ड्राई फ्रूट्स को लेकर के है। अक्सर क्या होता है बरसात के टाइम में ड्राई फ्रूट्स में भी कीड़े लग जाते हैं और जाले, और बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, बीज से टूटने लग जाते हैं। तो उसके लिए आपको 2 तेज पत्ते लेने हैं और इस तरीके से अपने कंटेनर में करके इसके कवर करके फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में रखने से ये ड्राइट रहेंगे, क्रंची रहते हैं और साथ ही साथ ख़राब भी नहीं होते हैं और लंबे टाइम तक चलते हैं। तो अगेन बढ़ते हैं अगले अपने टिप पे, वो है शुगर को लेकर के। चीनी में भी बहुत जल्दी नमी आ जाती है बरसात के टाइम में और वो सिलसिल सी जाती है जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, और धूप में रखने पे भी इसमें जो इसका सीरापन है वो निकलता नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़े से आपको यहाँ पे काली मिर्च ले लेनी है, या फिर अगर काली मिर्च ना हो तो आप लौंग भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से काली मिर्च लेकर के इसको इस पे अंदर से मतलब इसको डाल देना है काली मिर्च को एंड मिक्स कर लेना है, या फिर आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं और इसको बंद करके रख देना है। इससे भी क्या होगा कि काली मिर्च जो है वो पूरी नमी सोख लेती है और कीड़ों से और सीलन से चीनी को बचाती है, फ्रेश रखती है और कीड़े वगैरह लगने नहीं देती। अगला जो हमारा टिप है वो चने को लेकर के है। चने में भी आपने देखा होगा कीड़े लग जाते हैं, अंदर से ही ये कीड़े खा लेते हैं, और इसको बचाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा यहाँ पर पे कस्तूरी मेथी लेना है, जो कि ऐसा पाउडर फॉर्म वाली जो होती है, जैसे पत्ती वाली जो होती है सूखी वाली। तो या तो आप हाथ में ऐसे ही लेकर के डाल दीजिए, या फिर आप किसी पॉलीथीन में या पॉली बैग में या फिर किसी कागज में लेकर के इस तरीके से इसमें रख दीजिए। तो इसकी स्मेल से कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं और ख़राब भी नहीं होते हैं अंदर से, और ना ही इसमें नमी या सीलन जैसी कोई बात आती है। नेक्स्ट जो हमारा टिप है वो नमक को लेकर के है। नमक में सबसे जल्दी सीलन पड़ जाती है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लेना है, यानी मक्के का आटा लेना है, एंड इसको इसमें नमक में ऐड कर लेना है। तो जितना आपका नमक हो उसकी क्वांटिटी के हिसाब से इसको ऐड कर लीजिए और अच्छे से मिक्स करके इसको लिड बंद करके रख दीजिए। कॉर्नफ्लोर जो होता है वो नमक में जितनी भी नमी होती है उसको, पानी होता है जैसे कि जिसकी वजह से वो सिल जाती है, तो उसको एब्जॉर्व कर लेता है बहुत ही तेज़ी से और नमक को बिल्कुल फ्रेश और सूखा सूखा सा रखता है। तो ये है ना कमाल की टिप्स। अगला जो टिप है वो है बॉटल को लेकर के, जो कि मिल्टन का कोई भी एक ब्रांड का बॉटल होता है जिसमें हम चाय दूध वगैरह लेके जाते हैं, थर्मस जो होता है उसमें काफ़ी टाइम से रखे पड़े रहने से उसमें एक अजीब सी स्मेल आ जाती है, और कितना भी उसको साफ़ करें वो स्मेल उसमें से जाती नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लेना है एक पेस्ट, तो कोलगेट है तो कोलगेट यूज़ कीजिए, पेप्सोडेंट है तो वो यूज़ कीजिए, क्लोजअप है तो वो यूज़ कीजिए, कोई भी पेस्ट आप यूज़ कीजिए। एंड इसको पेस्ट को इसमें थोड़ा सा आपको डाल देना है एंड इसको अच्छे से पानी से कवर कर लेना है, मतलब पूरा फुल टॉप तक पानी इसको भर देना है इस बॉटल में। तो इस तरीके से पानी भर करके एंड इसका लिड कवर करके इसको अच्छे से शेक करना है कई बार, ताकि ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, मिल जाए, एंड इसके बाद इसको वॉश कर लेना है। तो इस तरीके से शेक कर लेना है इसको एंड इसके बाद इसको वॉश कर लेना है। तो वॉश करने के बाद देखिए हमारा ये अंदर से पेप्सोडेंट जो है, जो पेस्ट होता है वो बहुत ही, सॉरी पेप्सोडेंट नहीं, कोलगेट जो पेस्ट होता है वो हमारा स्टील को साफ़ करने में भी काम करता है और साथ ही साथ स्मेल भी दूर भगाता है। अगला जो टिप है वो हमारा चाकू को लेकर के है, नाइफ्स वगैरह जो कि घर में पड़े पड़े गंदी हो जाती है, जंक लग जाती है और थोड़ी डस्ट वगैरह भी लग जाती है, तो उसके लिए और साथ ही साथ जैसे आप बहुत टाइम से घर से बाहर है तो उस वजह से भी गंदगी लग जाती है, या फिर आप जिस चाकू को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो क्लीन रहती है और जो नहीं यूज़ करते हैं वो गंदी हो जाती है, तो उन सबको साफ़ करने के लिए यहाँ पर एक नींबू लीजिए, उसको आधा कट कीजिए इस तरीके से और चाकू में आप लगाइए।
तो लेकर के इसको चाकू में अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी जो चाकू है वो बिल्कुल नई सी हो जाएगी और उसमें अगर कोई स्मेल वगैरह आ रही हो वो भी नहीं रहती, जंक वगैरह लगे होते हैं वो भी नहीं रहते, एकदम नीट एंड क्लीन साफ़ हो जाती है, जैसे आपने न्यू अपनी नाइफ़ खरीदी हो बिल्कुल उस तरीके से। तो इसको चारों तरफ लगाने के बाद इसको आपको वॉश कर लेना है, एंड वॉश करने के बाद बिल्कुल नई सी लगती है। एंड इसको अच्छे से पोंछ लेना है कपड़े से, देन उसके बाद ही इस्तेमाल करना है, गीला कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। अगला जो हमारा टिप है वो है लाइटर को लेकर के। बरसात के टाइम में लाइटर भी क्या होती है कि अंदर से नमी आ जाती है जिससे कि ये गैस जलती नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जब भी हम खाना बनाते हैं गैस जलाते हैं एंड गैस बंद कर देते हैं, उसके बाद भी जो गैस का नोव होता है, स्टोव होता है, वो गर्म होता है। तो इस पे क्या करना है, आपको लाइटर को लेना है और रख देना है ऐसे, इसको अंदर के साइड खड़ा करके आप रख सकते हैं या फिर किनारे के साइड में, या फिर ऐसे ही आप इसको रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि अंदर की जितनी भी नमी है, पानी है, वो जो गर्म चीज़ है, गर्म ये बर्नर है, वो सोख लेगा, एब्जॉर्व कर लेगा और आपकी जो लाइटर है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एंड उसके बाद अगर आप गैस जलाएंगी तो ये इजीली जल जाएगा और काम करेगा। तो कैसा लगा ये किचन टिप्स एंड ट्रिक्स मॉनसून? अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, हैव अ गुड डे, बाय बाय।